दिवस आयोजन। आज हमारे साथ है पूनम अम्बेडकर बोध जी, जिन्होंने बड़ी कई दिनों से सोशल मीडिया पर आज के प्रोग्राम की बहुत तैयारी की थी। आइए मिलते हैं पूनम जी से। पूनम जी, बताएं आज के दिन की हमारे चैनल के माध्यम से आपका, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको क्या संदेश है? जय भीम और संविधान दिवस की सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आपके चैनल को भी बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद जी। आज के दिन बाबा साहब ने हम लोगों का उद्धार किया था। जो जिंदगी हम जानवरों से बदतर जी रहे थे, उससे मुक्त करने का दरवाजा खोलने की जो चाबी थी, वो आज के दिन जवाहरलाल और उनकी टीम को सौंपी थी बाबा साहब ने। यानी कि संविधान पूरा किया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा करके बाबा साहब ने आज के दिन सौंप दिया था, जिसको हम मनाने यहाँ पर नेशनल संविधान दिवस के रूप में इंडिया गेट पर आए हैं। और आप सबसे मैं अपील करती हूँ कि जो लोग इस साल नहीं आए हैं, वो अगले साल जरूर आएँ और इस नेशनल संविधान दिवस को एक त्यौहार के रूप में मनाएं। मैडम, ये जो आज आप महिला हैं, तो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या करा जो आप आज यहाँ आए हैं? देखिए, महिलाएं जो हैं, पहले जो मनुस्मृति लिखी गई थी, उसमें महिलाओं के लिए लिखा था कि ये महिलाएं जो होती हैं, वो भोगविलास की चीज़ें होती हैं, इनको आप उपयोग करके बेच सकते हैं। यानी कि महिलाओं का कुछ भी अपना अस्तित्व नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने उस मनुस्मृति को 26 दिसंबर 1927 को जलाकर उसके बाद संविधान लिखा, जिसमें महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, यानी कि जमीन जायदाद में भी अधिकार दिया, 18 साल से पहले शादी ना करने का कानून बनाया महिलाओं के लिए, बाल विवाह का भी कानून बनाया, जिसमें कि 18 साल से नीचे आप शादी नहीं कर सकते, पर जो शादीशुदा जो महिला होती हैं, उनके पति दूसरी शादी नहीं कर सकते उस समय, क्योंकि पहले राजाओं की 100-100 रानियाँ होती थी, लेकिन अब एक ही होती है और दूसरी अगर हो जाती तो सीधे जेल की हवा खाती। बाबा साहब की हम लोगों को देन है। केरल और महाराष्ट्र में जो देवदासी प्रथा थी, और इतने से ऊपर हम कपड़े नहीं पहन सकते, उन सब को बढ़िया से बढ़िया कपड़े, आज मुझे देख रहे हैं आप, मैं पैंट शर्ट और कोट में खड़ी हुई हूँ, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने हमें ये सब अधिकार दिए, संविधान के अंदर बराबर का अधिकार दिया। आज हम धरती पर नहीं, आसमान में भी उड़ने का जज्बा रखते हैं, वो बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से, बाबा साहब के हिंदू कोड बिल की वजह से। मैडम, ये बाबा साहब ने एक और कहा था कि मूर्ति पूजा का खंडन करना चाहिए या करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, तो करवा चौथ तो जरूरी है ना व्रत रखना, कि जो अपने पति की वो एक कामना करते हैं? जी, व्रत की बात मैं बता दूं, अगर व्रत करने से लंबी उम्र होती तो बहुत महिलाएं जो हैं, बहुत सड़कों के जो जिनके घर नहीं है, सड़कों के पास में रहती हैं, वो बेचारे एक टाइम भूखे ही सो जाते हैं, कभी कभी तो 2-2 दिन भी भूखे रह जाते हैं, तो उनके पति कभी मरते ही नहीं, बेचारे कुपोषण का शिकार होकर हर दूसरे तीसरे दिन एक दिन आपको लाश सड़क के ऊपर मिलेगी। और विदेशों में तो कोई करवा चौथ जानता ही नहीं है, उनके पति की भी लंबी उम्र होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अंधविश्वास है, पाखंड है। भूखे रहने से कोई किसी की लंबी उम्र नहीं होती। आप अपने पति को अच्छा पौष्टिक आहार दीजिए, अच्छे से अच्छा खाना दीजिए, रहने की अच्छी जो वायु जो होती है, जो मतलब रहन सहन जो साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो लंबी उम्र अपने आप हो जाती है।